उदयपुर में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अफ्रीकी देशों के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के लिए एंडोस्कोपी और ERCP पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अफ्रीकी देशों जैसे माली, सूडान, कैमरून एवं सेनेगल से आए 20 से ज़्यादा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने भाग लिया है। इसके साथ ही PMCH के पेट एवं लीवर रोग एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष मेहता ने बताया है कि कार्यशाला का उद्देश्य एंडोस्कोपी और ERCP तकनीकों की नवीनतम जानकारी प्रदान करना और चिकित्सकों को इन आधुनिक विधियों के बारे में प्रशिक्षित करना था। कार्यशाला में एंडोस्कोपी और ERCP के दौरान उपयोग होने वाली तकनीकों, उपकरणों और उनके संभावित लाभों पर विस्तार से बताया गया। आज हमने साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की एक कार्यशाला, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के डॉक्टर्स की एक एंडोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन किया। इसमें हमने वहाँ से आए हुए डॉक्टर्स जो कि अलग अलग कंट्रीज़ से जैसे माली, सूडान, कैमरून और सेनेगल, इन कंट्रीज़ से तकरीबन 20 डॉक्टर्स हमारे यहाँ आए और हमने इनको एंडोस्कोपी की टेक्निक्स के बारे में विस्तार से समझाया। ये लोग नॉर्मली वहाँ पर रूटीन डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपीज तो करते हैं, बट जो एडवांस थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स है वो वहाँ पर इतने प्रचलित नहीं है, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहाँ नहीं है, तो उसके बारे में ये सब हमें इनको हमने बताया। इसके अंदर विशेष तौर से जैसे एंडोस्कोपिक डायलिटेशन है, एंडोस्कोपिक बेंडिंग है, ERCP है खास तौर से, ये सब प्रोसीजर्स का हमने इनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया और इनकी बारीक तकनीकी विशेषज्ञताओं के बारे में इनको हमने बताया और इससे इनको काफ़ी लाभ मिला और ये वहाँ जाकर इस जो भी नॉलेज इन्होंने गेन किया इसका जो यूज़ करेंगे वो डेफिनेटली